पाकिस्तान ने 10 मार्च को ये दावा किया है कि भारत ने उसके ऊपर मिसाइल से हमला किया। इस पूरी घटना को लेकर पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुईद यूसुफ ने तंज कसते हुए कहा है कि इससे पता चलता है कि भारत संवेदनशील तकनीक को संभालने में सक्षम यानी उसके लायक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया से भी ये मांग की है कि वो एक बार ध्यान से सोचे कि क्या भारत अपने वेपन सिस्टम की सुरक्षा तय करने में सक्षम है या फिर नहीं। वहीं गुरुवार को पाकिस्तानी सेना की पीआर यूनिट आईएसपीआर के डीजी मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आरोप लगाया था कि भारत से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पाकिस्तानी पंजाब के मियान चलू शहर में आकर गिरा। इफ्तिखार ने दावा किया था कि 124 किलोमीटर का सफर महज 3 मिनट 44 सेकंड में तय करके पहुंची थी। ये घटना करीब शाम 6:43 की बताई जा रही है। पाकिस्तान से आते ये रिएक्शन बता रहे हैं कि भारत के एक कदम से पड़ोसी देश में हल्ला मच गया है। हालांकि जिस हमले की बात पाकिस्तान कर रहा है उसमें हुआ क्या, आखिर क्यों भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल दाग दी, क्या इस दौरान किसी की मौत हुई और इस पूरे मसले पर खुद भारत का क्या कहना है। इन सभी सवालों के जवाब देने से पहले आपको पूरा वाक्य बता दिया जाए। इंडियन ऑफिसर्स के मुताबिक रूटीन मेंटेनेंस के दौरान टेक्निकल वजहों से ये घटना हुई है। सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है और हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। सरकार ने हालातों पर अपना दुख भी जताया है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इस एक्सीडेंटल फायरिंग की वजह से किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल हरियाणा के सिरसा एयरबेस से फायर की गई थी। सिरसा में इंडियन एयरफोर्स का एक अहम एयरबेस है। मिसाइल के बारे में पाकिस्तान की ओर से दी गई जानकारी की माने तो ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से मिलती जुलती है। भारत में इस मिसाइल का इस्तेमाल कई सालों से हो रहा है और ये हमलों में अपनी बेहतरीन क्वालिटीज के लिए जानी जाती है। इस मिसाइल की रेंज अब बढ़कर 400 किलोमीटर की हो गई है। ये भारतीय सैन्य बेड़े में सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। मीडिया से सामने आ रही खबरों पर अगर गौर किया जाए तो कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी सेना के दावों की छानबीन कर रहे हैं, लेकिन सच यही है कि ऐसी कोई भी मिसाइल पाकिस्तान की ओर टारगेट नहीं की गई। आपको बता दें कि पाकिस्तान के मियान चनू में जहां ये सुपरसोनिक मिसाइल जाकर गिरी थी वो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के घर से महज 160 किलोमीटर की दूरी पर है। बुधवार को जब ये मिसाइल पाकिस्तान में गिरी थी तो वहां हड़कंप मच गया था, जिसके बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस पर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट सुशांत सरीन ने दैनिक भास्कर के साथ खास बातचीत में बताया है कि इस पूरे मसले से भारत की इमेज पर असर पड़ना तय है, क्योंकि ऐसा कुछ पहली बार हुआ है जब किसी देश की मिसाइल किसी और देश में चली गई हो। सुशांत ने ये भी बताया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच भी यही तय हुआ है कि दोनों एक दूसरे को टेस्टिंग की जानकारी देंगे और इस वजह से माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस बात को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। फिलहाल देखा जाए तो पाकिस्तान से जो बयान सामने आ रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल लेवल पर है। भारत सरकार ने भी अपनी गलती मान ली है और जांच के ऑर्डर्स भी दे दिए हैं। ऐसे में भारत सरकार का ये आश्वासन पाकिस्तान के लिए काफी है या फिर नहीं, इस पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। इस मामले में क्या मोड़ आएगा इसके लिए तो जांच खत्म होने का इंतजार करना होगा और पाकिस्तान की हरकतों पर पैनी नजर रखनी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इतिहास गवाह है। खैर, आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रांजलार्या। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।